सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकवर्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि फिरेंडी की सिम किस तरीके से आप डीएक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर उसे बंद करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं उसका क्या ऑप्शन है और किस तरीके से आप उसे बंद करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पर टाइप करना है firendimobile.com। जैसे ही आप firendimobile.com टाइप करते हैं तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं फिरेंडी की वेबसाइट पर, और जिसका इंटरफेस जिस फिरेंडी की वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं, सीधे नीचे आ जाना है आपको, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फेक हेल्प के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको फेक नज़र आता होगा, फेक का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप फैक्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल है, काल एसएमएस है, इंटरनेट मॉडम है, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं। लेकिन आपको लास्ट में एक ऑप्शंस नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको दिखाई देता होगा डीएक्टिवेटिंग योर लाइन। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिया गया हाउ डू आई डीएक्टिवेट माई मोबाइल सिम, यहाँ पर कि आप किस तरीके से अपनी मोबाइल सिम को जो है डीएक्टिवेट या फिर बंद करवा सकते हैं। आपका ऑप्शन कुछ डार्क नज़र आ रहा है तो यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर अगर आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट होते हैं नए पेज पर जहाँ पर इनका फॉर्म नज़र आता है। आपको इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है या फिर आप इसे सेव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आप इसे कहीं पर भी प्रिंट आउट कर लें या फिर आप चाहें तो फोटोशॉप में इसे फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो वर्जिन का है, एक फिरेंडी का है। अगर आप वर्जिन सिम यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्जिन का मोबाइल नंबर भरना है, अगर आप यहाँ पर फिरेंडी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर फिरेंडी पे टिक करके और उसका नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है और उसके नीचे आते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि आपका जो भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट है जिस पर आपके साथ में कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, बातचीत कर सकते हैं, वो नंबर यहाँ पर आपको भरना है ताकि वो आपके पास में मैसेज भेज सकें। उसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा गया है रीजन फॉर टर्मिनेशन, आप क्यों बंद कर रहे हैं सिम को, उसका कारण यहाँ पर आप लिख दें तो कोई भी आप कारण लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी साइन चाहिए, जो डेट है वो डेट यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली इकामा आईडी अपनी रखना है। तुम्हें आप अगर चाहें तो ये सारा फॉर्म फिल करके और एक अपने मोबाइल से स्कैन फोटोकॉपी खींच कर इसे भेज सकते हैं। यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो ईमेल आईडी, इस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है ईमेल आईडी, इस पर आपको इनका फॉर्म भेजना है। उसके बाद में 4 से 5 दिन में आपको उधर से नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपकी सिम बंद हो गई है या फिर आपको बताएंगे कि किस वजह से नहीं बंद हो रही है। जो भी ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा 100% चांस है कि वो लोग सिम आपकी बंद कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से आप फिरेंडी या वर्जिन मोबाइल की सिम आप किस तरीके से बंद करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर कुछ भी आपको डाउट है या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।